गर्ल्स की प्राइवेट बॉडी पार्ट का स्किन डार्क क्यों होता है एंड इसको कैसे गोरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं विमेन हेल्थ हाइजीन की बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ तो इस तरीके के कमेंट्स मेल्स आए दिन मुझे आते हैं। लड़कियाँ अपनी ही बॉडी को लेकर के हमेशा असमंजस में रहती है, ये ऐसा है तो क्यों है, वो वैसा है तो क्यों है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके का कोई भी सवाल होगा तो आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, बात करेंगे व्हाई योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स आर डार्क। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इज इट ओके टू हैव डार्क प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, सो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली यस। स्पेशली इन इंडिया हम लड़कियों का, मेल का भी स्किन टोन ब्राउन होता है। ऐसे में हमारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ का स्किन थोड़ा डार्क रहता है बाकी के बॉडी पार्ट से एकदम अलग। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, हमारा पूरा शरीर एक रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स हो गए या नी हो गया, एल्बो हो गया, थाई के अराउंड हो गया, वल्वा के अराउंड हो गया, बेसिकली इंटीमेट बॉडी पार्ट्स जो हमारे हो गए, वहां पे डार्कनेस दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो भी डिस्कस करूंगी, लेकिन इसका होना नॉर्मल है। ये होता है चाहे लड़का हो या लड़की, सबके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स मोस्टली डार्क होते हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन डार्क जरूर होता है। अब वहां से एक सवाल उठता हुआ आ रहा है, मुझे पता है कि लेकिन हमने तो पॉर्न वीडियोस में देखा है कि उनकी बॉडी तो बहुत गोरी चिट्टी सुंदर होती है। सो गर्ल्स एंड बॉयज अपनी बॉडी को फॉरेनर की बॉडी से कंपेयर ना करें, उनका स्किन टोन एकदम अलग होता है, वो तो सफेद गोरी चमड़ी के लोग होते हैं, हमारी मैंने कहा ना ब्राउन चमड़ी होती है। सो ऐसे में हमारी बॉडी उनकी बॉडी से टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन कैमरे पे जो चीज आपको नजर आती है उनमें बहुत सारी चीजें होती है, उनमें फिल्टर्स होते हैं, एडिटिंग होती है, मेकअप होता है, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, व्हाट नॉट, अलग अलग एंगल से शूट करते हैं जहाँ पे उन सब चीजों को कवर किया जाता है, हाइड किया जाता है, एंड जैसा वो परोसना चाहते हैं वैसा ही परोस करके मूवीज में आपको दिखाया जाता है। सो एडल्ट मूवीज में जो चीजें दिखाई जाती है उनका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं कि क्यों हमारे स्किन के कुछ हिस्से डार्क होते चले जाते हैं, जब होना ही है तो पूरी बॉडी एक रंग में क्यों नहीं डार्क हो जाती। वेल, जैसे हम प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्यूबर्टी के बाद सेक्स हार्मोन्स की ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है थ्रू मेलानिन। मेलानिन प्रोडक्शन प्यूबर्टी में काफी होता है, सो डार्कनेस होना स्वाभाविक है। ये हार्मोन इम्बैलेंस प्यूबर्टी के टाइम होता है एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनके पिगमेंटेशन हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गर्भवती महिलाएं या तो डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान उनकी स्किन पे यहाँ झाई आने लग जाती है, अंडरआर्म्स और ज्यादा डार्क हो जाते हैं, इनर थाई वाला हिस्सा और ज्यादा डार्क हो जाता है, तो ये प्रेगनेंसी का एक साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो, उस दौरान ऐसा होता है। प्राइवेट बॉडी पार्ट का डार्क होना एक इसलिए भी रीजन है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप इनर थाई को देखोगे सो वो कहीं ना कहीं ऐसे ज्वाइन रहते हैं एंड जब आप चलते हो तो वो आपस में टकराते रहते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता रहता है। आप जब टेबल के ऊपर स्कूल में बैठते हो अक्सर ऐसे करके बैठते हो, है ना, हम लोग की आदत होती है ऐसे बैठने की, वजह से अगेन टेबल के साथ इसका फ्रिक्शन होता रहता है। अंडर आर्म्स का हमारी स्किन ऐसे जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ भी फ्रिक्शन होता रहता है। सो यहाँ फ्रिक्शन होता है, स्वेट होता है, स्वेट के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है, बिल्डअप हो जाते हैं, मैल जम जाती है, तो इन सारे रीजंस की वजह से भी हमारा कुछ एरिया डार्क हो जाता है। वैसे ये होने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पीसीओडी, ओबेसिटी, एजिंग, व्हाट नॉट, तो ये तो सब रीजंस हो गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली बात, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि अगर डार्क हो गया है आपका कोई भी हिस्सा तो वहाँ ब्लीच कर लो। भाई ब्लीच नहीं करना, वो हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही जल्दी वहाँ पे आपको रैशेस, इरिटेशन, एलर्जी हो सकती है। कुछ भी ऐसी वैसी चीज लगा लो, चाहे वो कोलगेट हो, इनो हो, सोडा हो, पता नहीं क्या क्या लोग रगड़ लेते हैं अपनी बॉडी पे बर्तन समझ करके। एक तो वहाँ की स्किन इतनी नाजुक होती है, ऊपर से आप रगड़ लेते हो कुछ भी, तो फिर वहाँ की स्किन का खराब होना भी स्वाभाविक है। सो भूल करके भी उस एरिया को ब्लीच मत करना, किसी के भी बहकावे में मत आओ। हाँ, आप कुछ नेचुरल हर्बल डीआईवाई नुस्खे ट्राई कर सकते हो जो हम अपने फेस पे लगाते हैं। हमारी फेस की स्किन कितनी सॉफ्ट एंड जेंटल होती है, उसका ध्यान जिस तरीके से रखते हो वैसे ही आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स का ध्यान रख सकते हो। सो आप क्या क्या करोगे, कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल हैं, वो आप फॉलो कर लो। जैसे कि फ्रिक्शन की वजह से अगर पिगमेंटेशन हो जाता है ना, तो आप टाइट कपड़े ना, टाइट कपड़े पहनने से आपकी स्किन को सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, घर्षण होता है, पसीने आते हैं, मैल जमता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। स्किन को सांस लेने दो खुली हवा में, ठीक है। सो थोड़ा लूज कपड़े पहनो, प्रेफरेबली आप कॉटन के कपड़े पहनो एंड रात को एकदम लूज पजामा या शॉर्ट्स, निकर वगैरह पहन के सो सकते हो तो बेस्ट रहेगा। अगर आपने कोई हैवी वर्कआउट एक्सरसाइज किया है, डांस किया है, आपको लगता है आपके कपड़ों में पसीने आए हुए हैं, तो प्लीज अपने कपड़ों को चेंज कर लो। पसीने आ गए हैं तो थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद जाकर के नहा लो, ठीक है, वो पसीने वाली बॉडी में रहो मत। समय
समय पर अपने इंटीमेट हेयर की सफाई करते रहें। क्या होता है जब लड़कियां या लड़के अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के हेयर को बढ़ने देते हैं, वो बाल लंबे हो जाते हैं, फिर कर्ली हो जाते हैं, फिर एकदम जंगल जैसी ग्रोथ हो जाती है, पसीने आते हैं, बिल्टअप होता है, मॉइस्चर होता है, इरिटेशन होती है, खुजली होती है, एंड व्हाट नॉट। क्यों ऐसा करना है भाई? जरा सा बाल आपका उगे तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबे होके कर्ली हो रहे हैं तो उसको कट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। कुछ लड़कियां वैक्स भी कराती हैं, आपको जो मेथड समझ आता है, सूट करता है, आप वो करो। जस्ट रिमूव योर प्यूबिक हेयर फ्रॉम देयर। अपने अंडरगार्मेंट्स को स्वच्छ रखें एंड रोज बदलें। कई आलसी लोग रोज नहीं नहाते हैं और एक ही अंडरवेयर एक से दो दिन चलाते हैं, कुछ तो हफ्ते भी चला लेते हैं जो हफ्ता भर नहीं नहाते। ये टिप्स गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए बता रही हूँ। अक्सर सुना है कि बॉयज कम नहाते हैं, अगर आप उन लोग में से हो तो ध्यान रखो यार। डेली नहाओ, डेली नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट गीले कपड़े से इंटीमेट बॉडी पार्ट को पोंछ लो, एंड अंडरगार्मेंट्स तो आपको डेली ही चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्ल हो या बॉय हो, आपके जो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो सेक्रीशन करते हैं, तो वहां से व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है। वही आपकी पैंटी में या पैंट में, अंडरवेयर में लगा हुआ है और आप 3-4 दिन नहा नहीं रहे हो, वहाँ एक तो स्मेल की प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद ही पता नहीं कैसे वो स्मेल बर्दाश्त करोगे, एंड देन वहाँ मॉइस्चर होगा तो बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, सो एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंटीमेट बॉडी को कैसे वॉश करें, उसको वॉश करने के लिए क्या कोई स्पेशलाइज्ड वॉश आता है क्या? देखो, आता है मार्केट में बहुत सारे, आपको लेकिन चुनाव करना होगा कि कौन सा नेचुरल है, फ्रेग्रेंस नहीं है एंड बहुत ज्यादा केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई हर्बल नेचुरल फेस वॉश यूज कर रहे हैं जो एकदम सॉफ्ट है आपकी जेंटल स्किन के लिए, सेम फेस वॉश आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बशर्ते वजाइना के अंदर यूज नहीं करना है, वल्वा का बाहरी हिस्सा, थाई अराउंड यूज करना है या अंडर आर्म्स पे आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन वजाइना में कभी कुछ इंसर्ट नहीं करना, पानी भी नहीं, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर सच में पिगमेंटेशन को हटाना चाहते हो, वहां की जमी हुई मैल की परत को हटाना चाहते हो, आप नहाने के बाद जो भी बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लो। फ्रेश लगा लोगे तो बेस्ट है, फ्रेश नहीं है तो आप बॉटल वाला लगा लो, लेकिन केमिकल फ्री वाला लगाना, एकदम हरा कलर जो डाल देते हैं उसके अंदर, वो लगाने की जरूरत है, जो नॉर्मल नेचुरल एलोवेरा होता है ना वो लगाओ। डेली एलोवेरा अपने फेस के ऊपर या इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर करके देखो, यू विल सी ह्यूज डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग इट एवरी डे एंड नाइट। दिन में 2 बार लगाओ, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, डी टैन करता है, पिगमेंटेशन हटाता है। या फिर हफ्ते में 1 बार दही, चंदन एंड हल्दी, इसका एक मिक्सचर बनाएं एंड इसी से आप अपने इंटीमेट बॉडी को वॉश करें। कोई सोप साबुन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप उसको अंडर आर्म में लगाएं, कोनी में लगाएं या फिर अपने इनर थाई में लगाएं, अच्छे से लगा करके मसाज कर दें। चंदन से खुशबू अच्छी आने वाली है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो एकदम नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, तो नेचुरली आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के कलर को पहले से बेटर करते जाता है, पिगमेंटेशन को फेड कर देता है। तो गाइस, इस तरीके से अगर आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखोगे, चाहे गर्ल हो बॉय हो, आपको हमेशा फ्रेशनेस फील होगा, एम्बैरेसमेंट नहीं लगेगा, बट आप इसको गोरा करने की फिराक में ना रहें, क्योंकि आपके शरीर का रंग, आपकी त्वचा का रंग जो है वही आपके लिए बेस्ट है। प्रकृति ने जैसा आपको रंग दिया है वो ही हमारे लिए बेस्ट है, आपको उसमें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। बट हाँ, मैल की परत जम गई है, टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, तो उसको रिमूव कर सकते हो इन DIY से जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।